महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय धार को ज्ञापन सौंपा दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत शिरोमणि रविदास महाराज आश्रम और मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया। जय भीम सामाजिक उत्थान समिति खाचरो आधार वर्ष संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्य और धार जिले के समस्त रविदास समाज के लोग आपस में मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत शिरोमणि रविदास आश्रम को अवैध घोषित कर तोड़ दिया, जिसमें सैकड़ों दलितों और रविदास महाराज के अनुयायियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। आक्रोशित लोगों ने धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धार से राजेंद्र बघेल की रिपोर्ट। जय भीम समाज उत्थान समिति खाचरोदा जिला धार व धार जिले के रविदास समाज से जुड़े हुए हमारे सभी समस्त लोग यहाँ उपस्थित हुए। कलेक्टर महोदय जी को हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। हमने इस ज्ञापन में मांग की है कि जो दिल्ली में विगत दिनों उच्चतम न्यायालय के बाद वहाँ पे स्थित रविदास मंदिर व आश्रम को तोड़ दिया गया, जिससे हम सभी भारत निवास करने वाले करोड़ों दलितों और रविदास जी महाराज के करोड़ों अनुयायियों की आस्था को गहरी ठेस पहुँची। तो हमने भी राष्ट्रपति महोदय से यह मांग की है कि वापस वो मंदिर व आश्रम वहीं उसी स्थान पर बनाया जाए और उसका शिलान्यास की करवाया जाए, उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करें ताकि हम सभी वहाँ पे जाके मत्था टेक पाए। अच्छा, और नहीं होगा इसके ऊपर कार्रवाई तो क्या? अगर नहीं होता है तो हम संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग रखेंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ सर दिया आपने, कहाँ से आया? अभी हम धार जिले के समस्त यहाँ गाँव से नालछा, मांडव, सागौर, पीथमपुर, बेटमा, बदनावर, लाबरिया, कानवन, खाचरोदा, मुंडला, मुरडका, नागदा, किन्नौर सभी गाँव से रविदास समाज के युवाओं ने एकत्रित हुए। हम सभी ने आक्रोश किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल गुजरवाड़ी, संसद जय भीम समाजोत्थान समिति खाचरोदा अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।